नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये एक वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक को आज हम बनाएंगे क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं, जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। अब मैं यहाँ से ये जो प्लेन्स हैं इनका डिस्प्ले, इनको सबको सेलेक्ट ऑल कर दूंगा, ये सब डिस्प्ले होने लगेंगे। और यहाँ से इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लोज़ पर क्लिक किया तो दोस्तों इस वक्त जो स्क्रीन है आपके सामने, ये वो स्क्रीन है जब हम क्रियो पैरामेट्रिक के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे नई फाइल ओपन करने के लिए। पार्ट पर चेक मार्क होना चाहिए, यहाँ से यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर जो है मैं इसे अनचेक करता हूँ। यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ हमें देखना है MMNS पार्ट सॉलिड, MMNS पार्ट सॉलिड। ये देखिए यहाँ से ये लिया MMNS पार्ट सॉलिड और ओके पर क्लिक कर दिया तो ये स्क्रीन हमें नज़र आने लगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया मैंने, प्लेसमेंट, फिर डिफाइन, डिफाइन के बाद ये रहा टॉप प्लेन, टॉप पर क्लिक किया, स्केच पर क्लिक किया और यहाँ से यह स्केच व्यू, स्केच व्यू पर क्लिक किया। और अब इसके बाद यहाँ से सर्कल पर क्लिक किया और सेंटर के लिए यहाँ पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर करेंगे और एस्केप दबाएंगे कमांड से बाहर निकलने के लिए। अब इस ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है डायमेंशन का, इस पर डबल क्लिक किया, इसे मॉडिफाई करके हम कर देंगे 1500, 1500 टाइप करके एंटर प्रेस किया तो ये सर्कल हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से मैंने डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया तो देखिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन में नज़र आने लगा। ये जो हाइट है इसकी सिलेंडर की, ये हम रखेंगे 1500 और ओके पर क्लिक कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने लिया रिवॉल्व कमांड, रिवॉल्व के लिए रिवॉल्व पर क्लिक करने के बाद प्लेसमेंट पर क्लिक किया, डिफाइन पर क्लिक किया और इसके बाद देखिए ये रहा फ्रंट प्लेन, इस पर क्लिक किया और स्केच पर क्लिक कर दिया, यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया। अब इसके बाद यहाँ से लाइन, एक क्लिक इधर, एक क्लिक ऊपर की तरफ, एस्केप दबाकर बाहर निकले। ये जो डायमेंशन नज़र आ रही है इसे कर देंगे हम 200 और इसके बाद यहाँ से आर्क, थ्री पॉइंट टेंजेंट आर्क, एक क्लिक इस पॉइंट पर और एक क्लिक इस पॉइंट पर। ये देखिए ये जो सेंटर, ये देखिए मूव कर रहा है इसका, मैं जैसे जैसे कर्सर को इधर ले जा रहा हूँ, ये सेंटर जो है ये वर्टिकल एक्सिस को टच करेगा तो ये बिल्कुल अपनी सही जगह पर जो हमें चाहिए आर्क वैसे ये होगी। ओके, यहाँ जैसे ये टच किया मैंने क्लिक कर दिया, एस्केप दबाया। अब देखिए क्या करना है, डायमेंशन पर क्लिक किया, इस आर्क पर क्लिक किया और इसके बाद जो है हम स्क्रॉल बटन को पुश करेंगे हल्का सा। ये देखिए इसकी डायमेंशन दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर वाला जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेन है इसे हम डिलीट कर देंगे, ये ओवर डिफाइन हो रहा है, डिलीट कर दिया। अब इसे हमने रेडियस को कर दिया 1500 और इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करने से पहले एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। सेंटर लाइन पर क्लिक किया, सेंटर लाइन के बगैर रिवॉल्व आगे ही नहीं बढ़ेगा। देखिए एक क्लिक ऊपर, एक क्लिक यहाँ वर्टिकल एक्सिस पर नीचे और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आएंगे। यहाँ से ओके किया, ये देखिए इस तरह से एक डूम टाइप शेप बन गई और यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। ये इस तरह से हमें ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से हमें दिखाई देगा जिसके ऊपर एक डोम बना हुआ है एक फेस पर। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने प्लेन कमांड प्लेन कमांड पर क्लिक किया, इसके बाद ये प्लेन को सेलेक्ट किया। यहाँ से ये ऊपर के डायरेक्शन में हम जाएंगे, वैल्यू होगी 1710 mm की और ओके, और ये ओके पर क्लिक किया तो ये 1710 mm ऊपर एक ऑब्जेक्ट मतलब एक प्लेन बन गया यहाँ पे। अब यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया, प्लेसमेंट, डिफाइन और ये रहा सबसे ऊपर वाला प्लेन जो अभी हमने बनाया है। इसके बाद स्केच पर क्लिक किया, फिर स्केच व्यू पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखना है, मैं सर्कल पर क्लिक किया, ये है सेंटर और ये हो गई पेरिफेरी जो हमने बनाई थी, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और एस्केप दबाकर बाहर निकल आएंगे। मतलब ये 1500 mm के डायमीटर का एक सर्कल बनेगा। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे ये सेंटर रेक्टेंगल, एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक ऐसे ऊपर ले जाकर करेंगे, एस्केप दबाएंगे बाहर निकले।
इसे कर देंगे हम 250। एक ऐसा ही सर्कल हम और बनाएंगे, देखिए इसकी लेंथ हमारे लिए उतनी मायने नहीं रखती। सेंटर रेक्टेंगल, और ये देखिए ये हमने 250 कर दिया। ये जो इसकी लेंथ है ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी ट्रिम हो जाएगा सब कुछ। एक रेक्टेंगल हमें और बनाना होगा, यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल लिया फिर से, ये बीच में सेंटर है, और इस तरह से हमने ये देखिए ये स्क्वायर बनाया है। ये लेंगे हम 600 बाई 600 का, 600, और इसकी डायमेंशन कहाँ दिखाई दे रही है, डायमेंशन पर गए और लाइन पर क्लिक किया और स्क्रॉल की को इधर पुश किया, तो देखिए ये 600। ये 600 जो है, तो ये यानी कि ये स्क्वायर ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये 600 बाई 600 का एक रेक्टेंगल, सॉरी एक स्क्वायर बना हुआ है। अब इसे हमें रोटेट करना है 45 डिग्री पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने पहले तो कमांड से बाहर निकला है, एस्केप दबाया। अब यहाँ से देखिए क्लिक कर रहा हूँ मैं एक एक करके, कंट्रोल की प्रेस करके ये इस स्क्वायर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेलेक्ट किया यहाँ पर देखिए रोटेट रिसाइज जो है ये कमांड एक्टिव हो जाती है, इस पर क्लिक किया। इसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए एंगल जहाँ बना हुआ यहाँ वैल्यू देंगे 45 और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए डिलीट सेगमेंट लिया। अब यहाँ पर ट्रिमिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या ट्रिम करना है और क्या क्या छोड़ देना है। देखिए ये सर्कल का जो ये हिस्सा है ये पहले तो ये ट्रिम हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए इस तरह से ड्रैग करते हुए ये हिस्सा, और ये ट्रिम हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ क्या करना है हमें, ये यहाँ से ड्रैग करते हुए इस हिस्से को ट्रिम करना है। ठीक है, और यहाँ से भी इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए ये हिस्सा जो है ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, इसके बाद ये ऐसे, और ये जो बीजर ये बना हुआ स्क्वायर है इसको भी हम देखिए कैसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ड्रैग करते हुए ले जा रहा हूँ और ये ट्रिम होता जा रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा यहाँ पर ये रह गया, ये देखिए और कहीं कुछ नहीं है। अब यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर ये मैसेज आया, सेक्शन इज इनकम्प्लीट फॉर द रीजंस लिस्टेड इन मैसेज एरिया। देखिए यहाँ पर रेड रेड कुछ दिखा रहा है, नो पर क्लिक किया, ये देखिए ये जो बच गया था सेगमेंट इसे हमें डिलीट करना होगा, ये मैसेज इसी के लिए था। अब यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, अब ये कंप्लीट है। अब देखिए इसे हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे। ओके, और यहाँ वैल्यू दे देते हैं हम 210, और ओके ये देखिए ये मर्ज हो जाना चाहिए बस इसमें जाके इस तरह से, तो ये मर्ज हो गया। अब आपको लग रहा हो कुछ कुछ शेप ये टैंक जैसी आ रही है। अब हम यहाँ पर फिर से एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे, प्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे, डिफाइन पर क्लिक करेंगे, और ये जो ऊपर वाला फेस है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्केच पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद स्केच व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सर्कल पर क्लिक किया और ये रहा ये सर्कल, एस्केप दबाया, ये ले लेते हैं हम 400, और ओके इसको हम ले जाते हैं कितना, 50 mm लगभग 2 इंच के आसपास। ओके चलिए
इसके बाद हम बनाते हैं, अब कुछ रेडियस बना लें, इसमें राउंड करते हैं कॉर्नर्स को। राउंड करने के लिए मैंने वैल्यू यहाँ ले ली 45, और यहाँ से देखिए, अब ये बहुत सावधानी से यहाँ पर हमें चलना है क्लिक करते हुए, क्योंकि ये जो है, ये देखिए इस तरह से, ये इसके साथ लेकर आ रहा हूँ तो ये नहीं शो कर रहा प्रीव्यू। ओके पर क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए नहीं, फेल हो रहा है, कैंसिल कैंसिल। यहाँ से कैंसिल पर क्लिक किया, बाहर निकल आए। फिर से जाएंगे राउंड में, वैल्यू मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, यहाँ पे 35 mm कर देते हैं। इसके बाद देखिए, अभी भी नहीं ले रहा, कैंसिल, यस। चलिए फिर इसको हम उसी से करेंगे, वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर देते हैं इधर उधर। यहाँ से 35, तो 1, 2, 3, ये फेस हो गया, फेस को हमें नहीं सेलेक्ट करना है। ये इस तरह से आगे बढ़ते चलिए। अब ये जब तक एज हाईलाइट ना हो तब तक क्लिक ना करें, नहीं तो फेस सेलेक्ट हो जाता है। एज का हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है, देखिए जिस तरह ये एज हाईलाइट हो तभी क्लिक करें। और ये देखिए, बस अब ये कुछ हिस्सा रह गया, ओके ये फेसेस हो गए। इन फेसेस पर इन्हें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। अब रेडियस की वैल्यू थोड़ी सी कम करते हैं यहाँ पर एक बार, और यहाँ राउंड राउंड में ये 35 दिया था, इसको हम कर देते हैं कितना, 25। तो ये देखिए, ये 25, देखिए इस तरह से ये यहाँ फिलेट किया और ओके। तो ये जहाँ जहाँ मैं फिलेट करना था वो सब हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ नीचे की तरफ जो प्रोजेक्टेड ग्रूव्स टाइप के होते हैं, ग्रूव या प्रोजेक्शन निकले होते हैं गोल, वो बनाएंगे हम। यहाँ से एक बार यहाँ राउंड एक और मार लेते हैं इधर,
50 की वैल्यू दी और ये हिस्सा जो है इसे राउंड कर दिया। ओके, अब चलिए अब हम फिर से एक बार रिवॉल्व की तरफ बढ़ेंगे। रिवॉल्व कमांड पर गए, प्लेसमेंट डिफाइन, देखिए कोई भी चाहे राइट या फिर फ्रंट कोई भी प्लेन ले लिया हमने, स्केच पर क्लिक किया, स्केच व्यू पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ से सर्कल लिया और ये जो एज नज़र आ रही है इस पर कहीं पर भी एक सर्कल बनाया, एस्केप दबाकर बाहर निकले, डायमीटर इसका सेट कर दिया हमने 80 80, और ये जो डिस्टेंस आ रहा है नीचे से इसको इसको ले लिया हमने 230। और इसके बाद सेंटर लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ। ओके, ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया आपका। अब इसे हम ऊपर की तरफ पैटर्न कर लेंगे। पैटर्न करने से पहले रिवॉल्व टू पर यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसे क्लिक करके पैटर्न, फिर पैटर्न पर आए, यहाँ से हम पैटर्न टाइप सेलेक्ट करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है डायरेक्शन के नाम पर हम ये प्लेन ले लेते हैं, इस प्लेन पर क्लिक किया, ये देखिए ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाई देने लगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स ले लिए हमने 6 और इनके बीच में डिस्टेंस रख दिया हमने 230, और यहाँ से ओके करके देखते हैं। ठीक है, इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ तक तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बस हमें शेल करना है। शेल के लिए शेल पर क्लिक किया और यहाँ वैल्यू दे दी हमने 3, एंटर कर दिया, और उसके बाद ये फेस हमने रिमूव करना है। रिमूव किया, ये देखिए ये पूरा यहाँ से ये हॉलो हो गया। ओके पर क्लिक किया तो इस तरह से ये वाटर टैंक आपका तैयार हो गया। इसे एक बार हम व्यू में जाकर क्लिक करते हैं, सेक्शन प्लेनर, ये देखिए ये प्लेन सेलेक्ट किया, ये देखिए इस तरह से ये हमें नज़र आएगा अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं तो इस तरह से। ओके, यहाँ से कैंसिल पर क्लिक किया, यस। अब इसकी अपीयरेंस चेंज करते हैं, ये पार्ट पर क्लिक किया, अपीयरेंस पर गए और यहाँ से ये अपीयरेंस अगर लेते हैं ये रहा, चेंज करके देखते हैं इसे, कैंसिल। ओके, तो यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट ऑल कैंसिल किया, इसे भी कैंसिल किया, ये डिस्प्ले देखिए इसका चला गया। तो दोस्तों ये है वाटर टैंक इन क्रियो पैरामेट्रिक 7.0। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।